हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 50। इस टॉपिक के अंदर दोस्तों पाइवट टेबल में हम आज ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक पाइवट टेबल के अंदर प्रेजेंटेशन किट क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों, उसके लिए हम हमारी एक्सेल शीट पे चलते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैंने पिछले टॉपिक के अंदर ये बताया था कि आप कैसे अपनी स्विच बना सकते हो, बटन बना सकते हो मैक्रो का। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम क्विक एक्सेस टूल बार में मैक्रो फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं, उनका प्रेजेंटेशन किट कैसे बना सकते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए नॉर्मल कुछ नहीं करना दोस्तों आपको। देखो, मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ से पहले हम एक से एक दो तीन मतलब दो तीन एक्स्ट्रा वो कर लेते हैं, अपनी रिकॉर्ड कर लेते हैं मैक्रो। जैसे मैं आपको एक दो बता देता हूँ, पहले ही बताइए, मैं एक दो और कर लेता हूँ। जैसे रिकॉर्ड मैक्रो एक तो कर लेते हैं हम दोस्तों, एड मंथ, एड मंथ ठीक है, और पहले एड मंथ करके कर लेते हैं। ये एड मंथ, यहाँ पे स्टॉप हो गई। अब दूसरी एक और कर लेते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो रिमूव मंथ, और यहाँ से करते हैं वापस से रिमूव। ये रिकॉर्ड हो रहा है हमारा डेटा, ये हमने रिमूव मंथ कर दिया और यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे पास कितनी हो गई, तीन मैक्रो हो गई, एड मंथ, रिमूव मंथ और मंथ रिपीट। सो दोस्तों, यहाँ से आपको क्या करना है, अभी हमें इस किट पे बनानी है हमें जो जो जैसे हमने बटन बनाए थे वैसे मैक्रो यहाँ किट में यूज करना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से मोर कमांड्स देखते हैं। मोर कमांड्स पे जैसे ही क्लिक करते हो दोस्तों आपको, तो ये क्या होता है कि दोस्तों, ये कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार, ये जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है उसको कस्टमाइज यहाँ से आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, चूज कमांड्स फ्रॉम, यहाँ से आपको मैक्रो के अंदर आ जाना है। मैक्रो के अंदर आ गए, ये आपके तीनों मैक्रोज दिख गए, एड मंथ, रिमूव मंथ, रिपीट। अब यहाँ से आप उनको वो दोगे, सीरियल नंबर दे सकते हो। यहाँ पे जैसे मान लो पहले क्या आना चाहिए, एड मंथ ले लो। जैसे मैं नहीं, एड मंथ नहीं लेते, मंथ बैक लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मंथ रिपीट ले लेते, मंथ रिपीट, यहाँ पे मंथ रिपीट कर दिया। दूसरा उसके बाद रिमूव मंथ कर लेते हैं, तीसरा हम कर लेते हैं एड मंथ, जैसे भी आपकी इच्छा है। मैं तो अपने अनुसार कर रहा हूँ, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब दोस्तों, ये तीन आ गए। अब यहाँ पे ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आइकन आते हैं इनके, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भी इनके आइकन चेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, जैसे रिमूव मंथ का मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप अपना एरो चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो रिमूव मंथ यानी बेक कर लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ से, जैसे आपके पास काफ़ी है। जैसे मैंने मान लो यहाँ से ये ले लिया रिमूव मंथ के लिए, ये एरो ले लिया, एड मंथ के लिए मैंने यहाँ से नेक्स्ट आगे का ले लिया, और मंथ रिपीट के लिए मैंने मॉडिफाई करके कुछ भी ले सकते हो यार। चलो ये ले लिया, डबल वाला ले लिया, जो भी है आपकी इच्छा सी है वो कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको सूटेबल लग रहा है वो ले सकते हो। फिर यहाँ से इसके बाद ये तीनों हो गए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करते हो तो दोस्तों क्या होता है कि ये देखो तीनों मेरे पास एक्सेस टूल बार आ गए। अब देखो दोस्तों, मैं जैसे ही इन पे क्लिक करूँगा तो मैक्रो रन हो जाएगा, या तो मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ एक एक करके, कि यहाँ पे गया मैंने कहा एड मंथ पे क्लिक किया और रन कर दिया, तो ये देखो यहाँ पे ऐड हो गए। यहाँ पे फिर वापस से गया मैक्रो, यहाँ पे मंथ रिमूव मंथ कर दिया, तो रन किया तो वापस से रिमूव हो गए। तो ये लेंदी हो गया, लेंदी प्रोसेस हो गई। इसके लिए शॉर्टकट यहाँ से देखो, यहाँ पे ऐड करना मंथ, यहाँ से ऐड किया, यहाँ पे लेस, यहाँ पे वापस से मंथ रिपीट, सॉरी वो इसलिए होता है, एक सेकेंड, हाँ मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे मंथ रिपीट का हमने ये प्रोसेस लगाई थी कि क्वार्टर और ईयर आ जाए, मंथ रिपीट में ये था। तो दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक था
कि कैसे हम प्रेजेंटेशन किट उसका एक्सेस क्विक एक्सेस टूल बार बना सकते हैं। सो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहे, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे प्रेस कर दे, और दोस्तों साथ में कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप कमेंट्स नहीं करते हो तो हमें पता नहीं चलता है कि कैसे मतलब वीडियो हमारे बन रहे हैं, कुछ कमी तो नहीं रहती, क्योंकि बनाने वाले को तो वही लगता है कि जो बना रहा है वो बेटर बना रहा है, पर कुछ ना कुछ तो रह जाता है सर कमी। तो दोस्तों यही है कि आप हमें सपोर्ट करते रहे ऐसे ही। थैंक यू दोस्तों।